तो इन शॉर्ट आई एम लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स विच आर टेक्निकली न्यू फॉर मी. So, alright, guys, this is a Ferrero Rocher's, which is, received by Shrestha. Actually, हम लोग काफी ज़्यादा confused हो गए थे कि ये आखिर भेजा किसने, किसने भेजा रहे हमें तो ऐसा मतलब डर लग गया कि अंदर कुछ आतंकवाद का हमला वगैरह तो कुछ नहीं. तो इस तरीके से सैनिटाइज हो रहा है. ये इनके फ्रेंड अंकुश ने भेजा फ्रॉम वेयर, बैंगलोर. तो बैंगलोर से ये है और बैंगलोर से याद आया कि कल जो जीजा जी भी आने वाले हैं तो उनको भी लाने के लिए जाना है. Anyways, welcome back to our YouTube channel, guys. I hope you are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. Aaj ka tareekh hai 26 May 2020. 33 degree Celsius temperature ho raha hai. It's partially cloudy and yes, it is मंगलवार. आप हमारे बेबी हेयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. आज एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि सुबह से मैं एक्चुअली व्लॉग को ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. पिछला व्लॉग जो था उसमें मैंने जो दो अपने सारे व्हीकल्स को स्टार्ट करने गया था उसका क्लिप जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा था. उसको ट्रांसपोर्ट क्योंकि इससे मैं वाईफाई के थ्रू लेता हूँ अपने आईफोन में तो उसमें समय काफ़ी लगा. एंड उसके बाद व्लॉग काफ़ी बड़ा बना था, तकरीबन 27-28 मिनट का था. उसको घटा के मैंने 15 मिनट का किया क्योंकि अब व्लॉग बड़ा नहीं आने का, क्या नहीं आने का. सो आई वॉज एडिटिंग दैट टाइम और उस टाइम में मतलब मम्मी लोगों का मतलब खाना, मतलब ऑब्वियसली लंच टाइम हो गया था तो मैंने उस लंच टाइम को स्किप किया. बिकॉज पता नहीं क्यों हमें अभी इस लॉकडाउन में ऐसा फील हो रहा है क्योंकि बैठे बैठे ज़्यादा खा रहे हैं इसने तो आई फील सो समटाइम्स सो इरीटेटेड, मतलब खाना खाने से इरीटेट हो गया था मैं, ऐसा कुछ सीन हो गया था. और खाना खाने से पहले ये मीठा दे रही है, बताइए कितनी बड़ी ये बकलोल औरत है. सो ये सारा मैं अभी क्या बोलते हैं अपना लंच मैं अभी कर रहा हूँ और इसके बाद अभी आई जस्ट गॉट डन विद द गेम. आज गेम खेलने में भी लेट हुआ इसलिए क्योंकि सुबह जो हुआ एक्सपोर्ट ही हो रहा था एंड मतलब मैं काम ही कर रहा हूँ, एक भी सेकंड हमने वेस्ट नहीं किया. #SandilaFotography फोटोग्राफी SFM सोशल मीडिया पोस्टिंग एडिटिंग एंड एवरीथिंग इज डन. इसके बाद सुपर मारियो खेलना है, ये टेबल को इधर सेट कर दिया. तो सुपर मारियो मैं ऐसे ही खेलता हूँ, यहाँ पे इसको लगाता हूँ, हमारा ट्रैकबोर्ड सेटअप करता हूँ, आईफोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ एंड देन कमेंट्री करने के लिए वो हमारा बेंच, दिस इज अद्भुत. एंड फिलहाल ऐसा चल रहा है. आई बी गेटिंग वन डेटा कार्ड, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड डेटा चिप और सम डिवाइस इज देयर जिसके थ्रू मैं माइक ऐड कर पाऊंगा कमेंट्री करते हुए, लाइव गेम को स्ट्रीम भी कर पाऊंगा और रिकॉर्ड भी कर पाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड. चीयर्स. सो वी हैव दाल चावल चिड़चिड़ी एंड दिस इज आलू परवल की भुजिया. सो यस, चिड़चिड़ी के बारे में पता नहीं मैंने इससे पहले व्लॉग में शेयर किया है नहीं. चिड़चिड़ी इज़ अ सब्जी, शॉर्ट ऑफ नॉट शॉर्ट ऑफ सब्जी ही होता है. उसमें दो चार तरह के चीज़ों को ऐड किया जाता है, थोड़ा जो है उसमें आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट अप्रोप्रिएट टर्म, बस हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा तीखा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा मतलब अद्भुत रहता है उसमें. तो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टफ एंड बस आप देख ही रहे हैं इधर से उधर लोग जा रहे हैं. Ferrero Rocher's Bitran. So all right guys, this is 23:25 यानी 11:25 हो रहा है एंड यस नाउ इट इज. अच्छा छोटी सुनो ना, एक बार आके बस चेक कर लेना ना इसको. तो बेसिकली वॉशिंग मशीन का साउंड आ रहा था व्हाइल आई वाज प्लेइंग गेम्स, मैंने उसका नल बंद कर दिया था. तो मम्मी और दीदी को लगा कि वॉशिंग मशीन में कुछ इश्यू हो गया और चल नहीं रहा है. तो अभी नल ऑन किया तो काफ़ी देर से वॉशिंग मशीन चल ही रहा है. तो आई जस्ट सेट रेस्टा टू चेक इट अप. तो यस, आजकल कुछ दिनों से आई थिंक आई मेंशन इट बिफोर एज वेल कि हर रात जो है मैं गाना सुनता हूँ और आज से कुछ ऐसा अभी स्टार्ट किया. कुछ दिनों से जो सुना हुआ गाना है उसी को सुन रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहुत सारा ऐसा गाना है जो हमने नहीं सुना है आज तक. आज मैं जगजीत सिंह साहब का तकरीबन 10-15 गाना सुना, काफ़ी अच्छा लगा. तो उससे क्या है, लिसनिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट. इफ़ यू लिसन गुड यू बिकम गुड एंड दिस इज़ व्हाट आई एम इम्प्लीमेंटिंग इन माय लाइफ, ट्राइंग टू लिसन
एंड जो चीज़ आप सुने हैं क्या है ना कि एक ही तरह का आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है इफ़ यू कीप लिसनिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक और जो पॉपुलर है वैसे ही चीज़ को. तो मैं क्लासिक्स कुछ जो है चुनिंदे आर्टिस्ट जो कि लेजेंड लोग हैं जैसे जगजीत सिंह साहब हो गए, किशोर दा हो गए, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, और इन लोगों का तो इतना गाना है कि ट्रस्ट में मैं पूरे जीवन भर भी अगर आप लोगों को हैशटैग श्रेया शांडिल्या लाइव में गाकर सुनाते रहूं, जो कि मैं ऑब्वियसली पूरे जीवन भर सुनाते रहूंगा लाइव गाकर, दिस इज़ द फॉर श्योर, नो मैटर वॉट एवर हैपन्स आई विल बी कीप सिंगिंग, दिस इज़ वॉट आई प्रे टू ऑलमाइटी कि मैं पूरे जीवन में हर दिन गा पाऊँ. कुछ दिन का गैप हो गया जिसकी वजह से आई वॉज यू नो नॉट सो हैप्पी, क्योंकि यू नो I just want to, and ये जो hashtag श्रेया शांडिल्या live है, you know, I have also made a previous vlog. This is just to make myself better. I'm not proving anyone, you know, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ सा प्राणी हूँ संगीत के मामले में. ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का कृपा है कि थोड़ा बहुत यू नो सुर लग जाता है, गिटार बज जाता है. संगीत इतना बड़ा महासागर है कि मैं इस जन्म में क्या मुझे 100 जन्म लग जाएंगे यू नो संगीत को समझ पाने का. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मैं संगीत को थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ सरस्वती माँ के वरदान से, भोलेनाथ की कृपा से. एंड यस, मैं डेफिनेटली पूरे जीवन भर जो है एक एक करके बहुत सारा गाना आपको सुनाता रहूँगा. हम ऑल्सो प्लानिंग की यू नो कुछ एक एक मंथ में एक एक आर्टिस्ट को पिक कर लूँ, उन्हीं का गाना गाया करेंगे, वॉट एवर इट विल बी. तो यस, यही चीज़ आपको अपडेट करना था कि हर रात जो है नए नए गाने को मैं सुन रहा हूँ, आर्टिस्ट मल्टीपल आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ, ऐसे गाने जो नहीं सुने हुए. आप भी गाइस देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल का आदत ऐसा रहता है ना कि नए नए गाने तो आप सुनते हैं, लेकिन पुराने ऐसे बहुत सारे गाने जो आपके लिए नए हो सकते हैं, वो कैसे, क्योंकि आपने कभी सुना ही नहीं होगा जैसे गाने को, तो वो आपके लिए आप पहली बार सुनोगे तो वो नए ही हो जाएंगे. तो इन शॉर्ट आई एम लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स विच आर टेक्निकली न्यू फॉर मी. चलो थैंक्स गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. सो दिस इज 26th ऑफ मे ट्यूजडे, 23:28 AM हो रहा है. एंड ओके गूगल, व्हाट इज द टेम्परेचर इन मुंबई? इट्स करंटली 13 डिग्रीज, ड्यू टू द करंट ह्यूमिडिटी इट फील्स लाइक इट्स 37. सो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. तब तक के लिए keep spreading love and happiness, ignore negativity, accept positivity, be thankful to almighty for whatever you have in your life, have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself ki jo kuch bhi aapko aapki zindagi mein chahiye, aap us cheez ko sach mein paane ke liye dil se mehnat kar rahe hain ya sahan agar nahi kar rahe to kijiye, aur agar aap kar rahe to samajh jaiye aap har roz success ki or badh rahe hain, aur jahan tak bhi aap khud ko dekhna cha rahe hain ki aap us jagah tak pahunchne ke liye assessment is serving, keep on questioning this question to yourself. तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हैलेंट टर्न इनटू द डिजर्विंग पर्सन, ट्रस्ट मी द डे विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन, गॉड विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू आर डिजर्विंग फॉर, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम. तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना, मेहनत करना है, खुशियां बांटना है, प्यार बांटना है, बुरी सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए, जितना हो सके यू नो खुद को अच्छी आदतों से ग्रसित कीजिए, जितना हो सके दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके लोगों को मदद कीजिए, प्यार बांटिए. ज़िंदगी काफ़ी छोटी है यू नो, जहाँ पर आपके हारने से जीत हो वहाँ पर आप ज़रूर हार जाएं. इट्स जस्ट लाइक यू नो बी हैप्पी एंड यू नो शेयर हैप्पीनेस, दिस इज़ व्हाट आई कैन से गाइस. तो यस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड हैशटैग श्रेया शांडिल्या लाइव. चला. Today I have recorded Because I Love You. It's a song from Anthony Cohn, composed by Himesh Rishabhaji, sung by Kunal Ganjewala, and written by Sameer sir. ये सब you know वो दिन भी क्या दिन थे you know. ऐसा कैसेट्स में खरीदा कर, अभी भी Anthony Cohn इधर ही आस पास ही कहीं होगा, किधर ही किधर 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 ये रहा Anthony Cohn. If you can see Anthony Cohn है, हिमेश रेशमिया जी का तो मैं मतलब क्या ही बस हिमेश रेशमिया की. एंड दिस सॉन्ग इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई लव दिस सॉन्ग. आई हैव ट्राइड यू नो सिंगिंग इट विदाउट गिटार, जस्ट गराज बैंड को यूज किया. आई होप यू गाइस विल बी लाइकिंग इट.